नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम एक प्रश्न का जवाब जानेंगे जो किसी साथी ने पूछा है। प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति पर कोई FIR दर्ज हो जाए तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं। वीडियो में जानकारी शुरू करें और आप लोगों तक शेयर करें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी जरूर दबा दें, क्योंकि हम इस चैनल पर कानूनी जानकारियों से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। नोटिफिकेशन होने से आप लोगों तक ऐसे वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते हैं और आप किसी भी नई जानकारी को जानने से वंचित नहीं रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या किसी व्यक्ति पर कोई FIR दर्ज हो जाए तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं। तो इसके संबंध में हम इस प्रकार से समझें कि कोई भी अपराध दो श्रेणियों में बांटे गए हैं, एक तो हीनियस क्राइम और दूसरा साधारण अपराध। अब इसे भी हम और आसान तरीके से समझें कि ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से ज्यादा तक की सजा निर्धारित करी गई है उन्हें हम हीनियस क्राइम की श्रेणी में ले लेते हैं, और ऐसे अपराध जिनमें कानून के अनुसार सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम का रखा गया है उन्हें हम नॉर्मल क्राइम या साधारण अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इन दोनों अलग अलग प्रकार को जानने के बाद हम इस प्रकार से बात को समझते हैं कि यदि हीनियस क्राइम के सेक्शंस के अधीन यदि कोई मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज किया गया है या कोई FIR किसी पुलिस थाने में दर्ज की गई है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता है। और यदि कोई मुकदमा या FIR साधारण अपराध की श्रेणी में दर्ज है या यूं समझ ले कि जिसमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम का है तो ऐसे अपराध से संबंधित दर्ज यदि कोई मुकदमा है किसी प्रार्थी पर उसे सरकारी नौकरी में लेने से नहीं रोका जाता। तो ये बातें थी जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करनी थी। उम्मीद है जानकारी जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके लिए काम की और उपयोगी भी जरूरी है जानकारी होगी। इस वीडियो को इन्हीं बातों के साथ समाप्त करूंगा। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।